भारतीय संस्कृति में तीन मोक्ष के द्वार बताए गए हैं, गौ, गंगा और गायत्री। इसमें गौ माता का प्रमुख स्थान है। देखिए, सृष्टि में सभी प्राणी अपने पोषण के लिए प्रकृति का दोहन करते हैं, लेकिन एक सिर्फ गौ माता ही है, गाय ही है, जो जितना लेती है प्रकृति से उससे 100 गुना वापस लौटा देती है। आखिर माँ ही है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, प्रकृति को पूरा लौटा देती है 100 गुना। उदाहरण मैं बताऊँ आपको, गाय के रोम रोम में ऑक्सीजन बनती है, जिससे वो प्रकृति के सारा कार्बन डाइऑक्साइड दूर करती है और उसको ऑक्सीजन में तब्दील करती है, जो कि हम सब प्राणियों के लिए बहुत ही उत्तम उपयोग की है। गाय का गोबर असंख्य कीटनाशक है और उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और एक गाय का गोबर ही एकमात्र है जो भूमि के 3 साल तक उपजाऊ रखता है। बताइए, गाय का मूत्र से तो असंख्य रोग दूर हो रहे हैं, इस पर कितना ही रिसर्च भी हो रहा है। इसमें टीबी भी है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज़ है, इस पर कितना ही डॉक्टरों ने रिसर्च किया और इसको सही प्रमाणित किया गया। गाय के घृत से मनुष्य की आयु, बल, बुद्धि का विकास होता है। रूसी वैज्ञानिक सिरोविच ने एक अनुसंधान किया कि एक तोला घी को जलाने से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कहते हैं गाय के दूध की कीमत हम स्वर्ण सिक्कों से भी चुका नहीं सकते। इसमें 23 प्रकार के प्रोटीन, 17 प्रकार के खनिज, कितने ही मिनरल्स, कितने खनिज इसमें पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए अति उपयोगी है। गाय का दूध बच्चों के लिए अति उपयोगी है माना जाता है। इसमें एक सुवर्ण रेखा पाई जाती है गौ में, जो इससे स्वर्ण का निर्माण होता है। जब सूर्य किरण गाय के शरीर पर पड़ती है तो वो स्वर्ण का निर्माण करती है, जो दूध के जरिए हम सबको प्राप्त होता है, जो कि अति आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, बल, बुद्धि, इसके लिए। हमारी यही इच्छा और विनती सभी से है कि गाय का संवर्धन करें, गाय घर घर में पले, जिससे कि ये देश और हमारी संस्कृति बची रहे।